हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। मैं प्रीत इसकी इस चूर्ण को इस जड़ को लेकर के शरीर में जहाँ बता रहा हूँ वहाँ लगा लीजिए, फिर उसके नाम का स्मरण कर लीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसको पाने की कल्पना करिए। चाहे वह युवक हो, युवती हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, किसी को भी आप पाने कल्पना करते हैं या करती हैं तो उसका हो जाएगा वशीकरण। क्षण भर में, पल भर में अगला आपकी बाहों में होगा। यह प्रयोग युवक, युवती, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और किसी का भी वशीकरण इसके माध्यम से किया सकता है, मगर आग्रह करूँगा इसका दुरुपयोग कदापि न करें। एक स्टेप सुनना है, समझना है, पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है। जब भी आप कोई प्रयोग करें, टोटके का प्रयोग करें, यंत्रों का प्रयोग करें या किसी प्रकार का प्रयोग करें तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है। उसके बाद कोई प्रयोग करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको कमेंट करना है। अगर मैं रिप्लाई में हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप प्रयोग करते करते थक से गए हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आप घर बैठे हमारे माध्यम से किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त करवा सकते हैं, चाहे वो समस्या आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो या बस सीकर से जुड़ा हुआ कोई समस्या हो। इसके लिए जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करें। फ़ोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। तमाम बहनों माताओं के फ़ोन कॉल आते हैं, कुछ कॉल रिसीव होते हैं, कुछ रिसीव नहीं होते हैं। आप लोग के मन में भी कष्ट होता होगा, अधिक काल आने के चलते ऐसा होता है। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप व्हाट्सएप का प्रयोग करें। और जब भी कोई प्रयोग करें तो एक बात ध्यान दें, किसी को ब्लैकमेल करने की नियत से, चीट करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से कदापि प्रयोग न करें। यदि आपका मन साफ है, किसी से प्रेम करते हैं, वन साइडेड लव के शिकार हैं, आप चाहते हैं कि अगला भी आपको प्रेम करे, अगर आप सही हैं तो मैं आपका अवश्य हेल्प करूँगा। इसके लिए आप हमसे संपर्क करें। हम चलते हैं आज की प्रयोग विधि पर। प्रायः कुछ माताओं बहनों का ऐसा प्रश्न भी आता है कि हमने अनेकों बार प्रयत्न किए, अनेकों प्रयोग किए, सफलता नहीं मिलती है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो या कुछ और कारण हो। अगर आपको भी लगता है कि वशीकरण करा करा करके या स्वयं करके थक गए हो तो आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है या कोई और समस्या हो, इसके लिए अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और अगले का भी कोई फोटो व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूँगा। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने जीवन से सभी, अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या करना है आपको? काला भांगरा, सफ़ेद लाजवंती और सहदेवी की जड़ को पीस करके तिलक लगाने से और उसके नाम का स्मरण करने से, उसके रूप का चिंतन करने से, उसको पाने के नियत से उसके सामने जाएंगे और कल्पना करेंगे तो अगला आपके वशीकरण पाठ में, सम्मोहन पाठ में, आकर्षण पाठ में बंध जाएगा या बन जाएगी। धन्यवाद। राम राम।